نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बल आलमीन। सबसे पहले हम अपनी लास्ट क्लास के की एक्शंस देख लेते हैं। सूरह माइदा का हमने आया 57 से 76 तक किया था और उसमें आपको याद होगा कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमें अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नेबर्स को क्लोज रखें। एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर वो लोग जो कि बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं और फिर जाहिर सी बात है उनके बच्चों के ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी होता है, उनकी दोस्तियां भी होती हैं ऐसे लोगों से जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं और फिर उनका इन्फ्लुएंस बहुत देर तक रहता है और कई दफ़ा ये होता है कि इंसान दीन से आपके बच्चे बहुत दूर होते चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बहन भाइयों को, अपनी माँ बाप को, अपनी फैमिली, फ्रेंड सबको अपने करीब रखा जाए। इसके साथ साथ हमें अल्लाह का दीन इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि बात हमने इससे पिछली क्लास में भी हुई थी, जो हमारी पिछली क्लास गुजरी उसमें भी ये हुई थी कि अल्लाह का दीन कायम हो, ये इसके लिए हमें पूरी अपनी बेहतरीन सलाहियतें जो हमारी हैं वो उनमें इसमें लगानी चाहिए और सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने घर से ये चीज़ स्टार्ट करें। पर्दे का अहतमाम है, अच्छी नौकरी, हलाल हराम की तमीज़ है, सच बोलना, वादा निभाना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अपने घर से स्टार्ट की जा सकती हैं। और जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हज़रत आदम को ज़मीन पे भेजा गया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जो भी मेरी भेजी हुई पैरवी, अहकाम की पैरवी करेगा उसे कोई खौफ नहीं होगा और उसे कभी कोई गम नहीं होगा। और हमने इसके ऊपर बात की थी कि ज़ाहरी तौर पर दुनिया में मुश्किलात भी आती हैं, खौफ भी होता है, चीज़ों से डर भी लगता है, खासकर जैसे कि है कि शैतान जो है वो फ्यूचर से डराता है, मुस्तकबिल से डराता है। तो ये खौफ और ये चीज़ें ज़ाहिरी तौर पे तो होती हैं, लेकिन जब इंसान इस्लाम को फॉलो करता है, हमारे दीन को फॉलो करता है, जब कुरान पढ़ता है तो ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल जाता है। हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि सारी चीज़ें बहुत वक्ती हैं, टेम्प्रेरी हैं और हमें यहाँ से चले जाना है, हमने अपने रब के पास लौट जाना है। यहाँ वो हमें कुरान में पहले बता चुके हैं कि जब तुम दुनिया में भेजे जाओगे तो तुम्हें आजमाया जाएगा। तो हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। आज हम स्टार्ट करते हैं, आज हमारा 47 लेसन है सूरह माइदा का 77 आया नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل। कह दीजिए ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक कुल्ब ना करो और मत पैरवी करो इन लोगों की बिदात की जो तुमसे पहले खुद भी गुमराह हुए और इन्होंने बहुत से दूसरों लोगों को भी गुमराह किया। जाहिर सी बात है जब इंसान कोई बिदत स्टार्ट करता है, कोई दीन में कोई एडिशन होती है तो उसके आने वाली कई नस्लों तक वो चीज़ उसके अंदर रह जाती है, उस कौम के अंदर रह जाती है और सीधे रास्ते से भटक गए। आप याद रखिएगा कि जब भी कोई बिदत स्टार्ट होती है ना वो आउट ऑफ एक्सट्रीम लव होती है। जैसे कि हजरत ईसा की दफ़ा देख लें, लोग उनसे बहुत मोहब्बत करने लगे तो उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। इसी तरह यहूदी जो थे उन्हें लगा कि जी हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत ही फेवरेट कौम है और हमसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर अम्बिया भेजें, तो उन्हें लगा कि हम तो कुछ भी कर लें हमें तो जहन्नुम में डाला ही नहीं जाएगा। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि लेट अल्लाह डिस्ट्रॉय द ज्यूज, अल्लाह ताला तबाह कर दें ज्यूज को, लेट हिम डिस्ट्रॉय देम, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपोस्टल्स, अपने रसूलों की जो कब्रें थी उन्हें इबादत गाह बना लिया। क्या आज पाकिस्तान में ये नहीं होता? सब कॉन्टिनेंट में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। अगर कोई नेक शख्स गुजरे भी हैं तो उनकी तालीमात के ऊपर अमल किया जाए, ना कि उनकी जगहों को जाके सजदा किया जाए, वहां पे धागे बांधे जाएं और इस तरह की चीजें की जाएं। और इसके साथ साथ एक देखिए ना, दीन के अंदर ये चीजें होती, हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है, ना ही हम अपने आखिरत को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लें कि हम दुनिया को बिल्कुल ही भूल जाएं। अपने रिश्तेदार हैं, या अपने बहन भाई हैं, या अपने माँ बाप हैं, या नेबर्स हैं, या औलाद है। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने मुझे खुद ये बताई कि एक वक्त मेरे पे ये आया कि मेरे ऊपर दीन इतना गालिब हो गया कि मैंने अपने शोहर की परवाह करनी छोड़ दी, मैंने अपने बच्चों की परवाह करनी छोड़ दी, और मैं बस वो एक इंस्टीट्यूट कोई था वो उनसे मुंसलिक हो गई, और उन्होंने वहीं पे बस किताबें पढ़नी, और वो उसी जो वो इंस्टीट्यूट था वो उनकी उनका सेंटर बन गया। ये याद रखना चाहिए हमें कि कोई इंसान, कोई इदारा, ना ही अपना नफ्स, कई दफा होता है हम अपने नफ्स की इबादत कर रहे होते हैं। क्या ख्याल है कैसे इंसान अपनी जात की इबादत करता है? कुछ है आइडिया नफ्स की इबादत क्या होती है? मैम जो भी नफ्स कहता है हम वो मान लेते हैं। वो कहते हैं म्यूजिक सुनो तो हम म्यूजिक सुन लेते हैं, वो कहते हैं मूवीज देखो तो हम मूवीज देख लेते हैं, हाँ। इस तरह। और इवन इबादत में भी क्या ख्याल है आप लोगों का? हमें अच्छा लगता है तो हम लंबी लंबी क़िरात करेंगे, हम ये परवाह नहीं करेंगे कि आपके घर में भाई शाम में अगर आपके शोहर ने आना है, या आपके वालिदैन को आपकी किसी काम की ज़रूरत है, वो बूढ़े हो चुके हैं, या किसी रिश्तेदार को, कई दफ़ा ये होता है कि डिप्रेशन से आप कई दफ़ा रिश्तेदार बहन भाई सफ़र कर रहे होते हैं और हम सिर्फ अपनी इबादत में लगे हुए होते हैं, हम उनकी किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं कर रहे होते। यानी कि इबादत में भी हद से नहीं गुजरना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है, जो कहा जाए वो किया जाए, ना ही दुनिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे देनी है कि बस यहीं पे घर बन जाए, यहीं पे गाड़ी ले ली जाए, यहीं पे बंगले हो जाए बस, या यहीं पे हंसी मजाक डिनर्स हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट ब्रंचेस ये सारी चीजें होस्ट की जा रही हैं कि बस यही दुनिया है और यहीं पे सब कुछ है, और आखिरत के बारे में बिल्कुल ही इंसान ढीला पड़ जाए। ये भी नहीं करना है, हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। दुनिया और आखिरत में किसी भी चीज को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। जो अल्लाह सुभान व तआला ने कह दिया वो करना है। आपको याद होगा ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दी थी कि हमें नमाज में 3 सजदे नहीं करने, चाहे आप कितने ही ज्यादा मोहब्बत से सरशार हो। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें दे दी गई है, कुरान हमारे हाथ में है, हमें बता दिया गया है इस तरह अल्लाह की इबादत की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी भी की, उनके बच्चे भी हुए, उन्होंने इबादत भी की, उन्होंने रोजे भी रखे, उन्होंने एक इस्लामी माशरा भी कायम किया। एक बैलेंस कोशिश है, जाहिर सी बात है नोबडी इज परफेक्ट, हम भी मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम सब कुछ 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश इस तरफ की जाए कि अल्लाह को राजी करना है, ना ही अपने नफ्स को, ना ही किसी इदारे को, ना ही किसी इंसान को। आगे चलते हैं। लुइन अल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिक बिमा आसौ व कानू यातदून। लानत की गई इन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया बनी इसराइल में से, दाऊद की ज़बान से और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से। ये चीज़ें ओल्ड टेस्टमेंट में जो है उसमें भी, ज़बूर में भी मौजूद हैं कि हज़रत दाऊद उन लोगों को, उनको बुरा भला कहते थे कि वो इस तरह की जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे दीन के अंदर। या हज़रत ईसा के बारे में भी है जो कि इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा ये कहा करते थे कि तुम मच्छर छानते हो और ऊँट निगल जाते हो। इस बात का क्या मतलब है कि तुम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तो नहीं हो, दीन में ऐसे करना है और इतने यहाँ पर हाथ बांधने हैं, वहाँ पे ये करना है, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ भी होता है, और ऊँट निकल जाते हो, यानी कि बड़े बड़े गुनाह तुम्हें गुनाह ही नहीं लगते। जैसे आजकल जैसे यहाँ पे सारा सूदी निज़ाम चल रहा है, बेपर्दगी है, बेहयाई है, अफेयर चल रही है, ये सारी चीज़ों इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे कि भाई नमाज में हाथ यहाँ पे बांधने हैं, नहीं ये चीज़ इतनी रकात होनी चाहिए, वक्त यहाँ से स्टार्ट नहीं यहाँ से स्टार्ट होता है, इन चीजों में बहसों में लगे रहते हैं। और यही चीज हज़रत ईसा ने अपनी कौम को कही थी कि तुम मच्छर छानते हो और ऊँट निकल जाते हो। तो लानत की गई इन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया बनी इसराइल में से, दाऊद की ज़बान से और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से भी। ये इसलिए हुआ कि इन्होंने नाफरमानी की और वो हद से तजावुज़ कर जाते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कि हद से आगे बढ़ जाए। कानू ला यतनाहौना अम मुनकरिन फअलूह लबिस मा कानू यफअलून। ये लोग एक दूसरे को नहीं रोकते थे इन मुनकरात से जो वो करते थे। बहुत ही बुरा तर्ज अमल था जो इन्होंने इख्तियार किया। क्या आज हमने ये तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया हुआ? फेमिलियर लग रहा है? किस किस को लग रहा है? दीन अपना अपना, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जी फैजा, आपने रेज हैंड किया है, आपको सवाल करना चाह रही है? अच्छा, आपको फेमिलियर लगा होगा। तो दीन अपना अपना, ये चीजें तो हमने बहुत सुन रखी हैं। हम ये नहीं करते कि हम किसी को किसी चीज से रोकें। पता है ये चीज आई नो किसी को जाहिरी तौर पर उस तरह से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए चीज़ों का कुछ जाहिर होता है, कुछ बातिन होता है। यानी कि कुछ चीज़ें जैसे समंदर एक ऊपर से नजर आता है, उसकी सतह नजर आ रही है दूर दूर तक, और एक समंदर के अंदर तह में एक और खजाना है। जैसे मैं एक महफिल में गई तो वहां पे मुझे एक खातून थी, वो बड़े अग्रेसिवली, बड़े गुस्से में बात कर रही थी, किसी और से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं किसी से मिली और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो हो ना जरा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करो। तो वो बड़े गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि ये शख्स डिसाइड करे, वो शख्स डिसाइड करेगा कि मैं अल्लाह के करीब हूँ या नहीं। अब मैं उनके ऊपर कोई जाहिर इस तरह से बात नहीं कर रही, लेकिन पर्दे का कोई एहतमाम नहीं था। मतलब काफी मुझे बोल्ड सी खातून उस तरह से वो लग रही थी। तो मैंने खैर उस वक्त मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि महफिल में कभी बैठ के ये हिकमत उस तरह से नहीं होती कि आप किसी को किसी के कॉन्सेप्ट्स को टोकें, क्योंकि बीच में फिर अना आ जाती है। तो खैर उन्हें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने, वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मैं अल्लाह के करीब हूँ या नहीं। देखिए एक चीज़ों का जाहिर होता है और एक चीज़ों का बातिन होता है। आप ये देखें, छोटे बच्चों को जब कोई कार्टून कैरेक्टर पसंद आता है, स्पाइडरमैन पसंद आता है, या कोई आजकल जैसे वो कार्टून एल्सा वगैरह चल रहा है वो पसंद आता है, तो बच्चे बिल्कुल वैसा लगना चाहते हैं, वैसे बात करना चाहते हैं। उन्हीं का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, उसी का एक स्टफ टॉय पकड़ा हुआ है, या जो है बिल्कुल उसी की तरह हरकतें करनी है, इधर जंप किया उधर जंप किया कि जी हम स्पाइडरमैन हैं, या वो वाली जो है कैरेक्टर बन गए, एल्सा बन गए, या कोई बार्बी बन गया, उसी तरह के कपड़े पहने। तो वो चीज़ नज़र आती है जब बहुत ही ज़्यादा आपको कोई चीज़ पसंद होती है। ऐसा होता है ना? क्या ख्याल है? जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आप बिल्कुल वैसा लगना चाहते हैं। तो जब दीन इंसान के ऊपर गालिब होता है तो फिर वो नजर आता है। जब आपको दीन पसंद होता है, जब आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा अजीज होती है, तो वो चीज नजर आती है, आनी नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? फिर तो नजर आना चाहिए ना, वो दीन आपके ऊपर नजर आना चाहिए। सबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। तो फिर दीन अपना अपना तो नहीं रहा ना, क्योंकि आपको याद होगा हमने सूरह आल इमरान में ये पढ़ी थी, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए बर्पा किया गया है। तो तुम हुक्म करते हो नेकी का और तुम रोकते हो बदी से, और तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर। याद है आप लोगों को सूरह आल इमरान में हमने ये आयत पढ़ी थी? तो फिर तो हर इंसान इस चीज़ का ख्याल रखे कि उसके इर्द गिर्द, उसके माशरे में, उसकी फैमिली में, उसके ख़ानदान में, उसके नेबर्स में, उसकी फ्रेंड्स में, उसकी औलाद में क्या हो रहा है। लेकिन ये याद रखें, इज्जत से बात करें लोगों से। अगर आपने ये बात करनी, ये नहीं है कि आप काफिर के फतवे से बात स्टार्ट की जाए। रिस्पेक्टफुली बात की जाए, हिकमत के साथ बात की जाए, इंसल्ट ना किया जाए, लेकिन सही बात लोगों तक पहुंचाना। ये तो हमें दिया गया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस वजह से बेहतरीन उम्मत कहा था हमें। खासकर आप ये देखें कि हमारे जो घर में हेल्पर्स वगैरह आती हैं, उनके अंदर तो उन तक तो उस तरह से दीन नहीं पहुंच पाता। कई दफ़ा ये होता है कि वो उस तरह से नहीं फॉलो कर रहे होते, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सही बात बताई जाए। भला मज़ार पर उनसे कभी आप मशवरा लेके देखिए किसी परेशानी के लिए, तो वो तो सीधा आपको किसी मज़ार की तरफ गाइड करते हैं। सब नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दैम, ज्यादातर लोग आपको या तो किसी मज़ार के बारे में बता देंगे कि वहाँ धागा बांधा है या वो करें, या फलां पीर के पास चले जाए, वहां से दुआ करवाएं, वो ठीक कर देगा। ये क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इज्जत के साथ और हिकमत के साथ। आगे चलते हैं। तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीन कफरू लबिसा मा क़द्दमत लहुम अंफुसुहुम अन सखित अल्लाहु अलैहिम व फिल अज़ाबी हुम खालिदून। तुम इनमें से अक्सर को देखोगे कि वो काफिरों से दोस्ती रखते हैं। ये खासकर उन अहले किताब की बात जो यहूदी थे, वो दोस्ती गठजोड़ करने की कोशिश करते थे कुरैश के साथ, जो कुफारे मक्का थे, और उनसे उनकी जो हमदर्दियां हासिल करने के लिए ये भी कह देते थे कि तुम ये जो मुसलमान बनते फिर नहीं, तुम लोग तो इससे बेहतर हो, ये भी कह दिया करते थे। तुम इनमें से अक्सर को देखोगे कि वो काफिरों से दोस्ती रखते हैं। बहुत ही बुरी कमाई है जो इन्होंने अपने लिए आगे भेजी है, ये कि अल्लाह ताला का गजब होगा इन पर और वो अजाब में हमेशा हमेश रहेंगे। ये लोग ये कहा करते थे और उनकी फिर मदद किया करते थे कि वो आए मुसलमानों पे अटैक करें। वो कहते थे तुम आओ अटैक करो, हम अंदर से तुम्हारी मदद करेंगे, और मुसलमानों को ये खत्म करते। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िल इलैहि मत्तखज़ूहुम औलिया वलकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून। और अगर ये ईमान लाते अल्लाह पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, यानी कि कुरान हकीम, तो फिर इन्होंने इन काफिरों को अपना वली ना बनाया होता। लेकिन इनकी अक्सरियत नाफरमानों पर मुश्तमिल है। इसके ऊपर मुझे एक बड़ा ही फनी अभी रिसेंटली हुआ है इंसिडेंट, शायद आप लोगों ने सुना हो, कि एक यमनी शख्स आया और उसने एक बैनर उठाया हुआ था। आई डोंट नो आप में से किसने सुना है। उसने एक बैनर उठाया हुआ था और उसने जो क्वीन जिसका भी डेथ हुई है उसके बिहाफ पे उम्रा कर रहा था वो। सुनिए, किसने सुनी है ये खबर? यस मैम सुनी है। सीरियसली हमें कौन लोग पसंद है? वो उसके क्वीन के बिहाफ पे उसने उम्रा किया। अजीब सी बात है, मतलब हमें कौन लोग पसंद है? अगर आप वाकई ही अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल किया गया है उस पे ईमान रखते हैं। वालेकुम सलाम। मैम मैं तो ये सोच रही थी वो मुसलमान है भी या नहीं। असल में नहीं, मुझे पता होता है मुसलमान मोहब्बत में इतनी मुसलमान क्या कोई भी शख्स हम लोगों की मोहब्बत में, पता नहीं शायद वो खुद भी मुसलमान है या नहीं कि उसमें इतने गट्स हैं कि वो वहां जाके एक बंदे के बारे में ये सब कुछ लेके घूम रहा है। बिल्कुल सही कह रही है, बस वही बात है ना, कई दफा हम अपने आप को मुसलमान समझ भी रहे होते हैं लेकिन हमारी हरकतें कुछ इस तरह से होती हैं कि नजर आ रहा होता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने एक दफा ये पहले भी ये हदीस हमने पढ़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा एक सहाबी थे, उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़यामत कब आएगी? तो आप मुस्कुराए और आपने कहा कि तुमने इसके लिए क्या कर रखा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ खास तो नहीं कर रखा लेकिन मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बहुत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिससे मोहब्बत रखते हो तुम उसके साथ हो गए। अगर आप इसको दूसरी तरफ सोचें कि हम जिससे मोहब्बत रखते हैं हम उन्हीं के साथ होंगे, तो ये कितनी खौफनाक सी बात लगती है ना। मतलब वो शख्स क्वीन की मोहब्बत में इतना बढ़ गया कि उसने उसके बिहाफ पे और देखिए उसका ईमान कितना पुख्ता है, उसे पता है अगर उम्रा कबूल हो गया तो बख्शिश हो जाती है। फिर अब से लेकिन बट वो ये तो भूल ही गया ना कि उसमें नहीं नहीं जो एक मोमिन की और मुसलमान की अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए हैं। हाँ। जब वो अल्लाह ताला ने यही बोला है कि दुआए मगफिरत भी नहीं कर सकते तो उम्रा क्या चीज है, उम्रा तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि उसकी तो दुआए मगफिरत भी नहीं की जा सकती क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर उसे अरेस्ट तो कर लिया गया है। आगे चलते हैं। لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ। तुम लाजमन पाओगे अहले ईमान के हक में शदीद तरीन दुश्मन यहूद को और इनको जो मुशरिक हैं। आज भी आप देख लें यहूद और हनूद दोनों ही मुसलमानों के शदीद तर मुखालिफ हैं। अब वो उस तरह का जो शिरक है वो तो इंडिया में ही रह गया है, हिंदुस्तान में ही रह गया है। तो आप देख लें कि किस कदर मुसलमानों के खिलाफ फ़लस्तीन में भी और कश्मीर में भी या ओवरऑल पूरी दुनिया में किस कदर नफरत और शदीद तरीन दुश्मनी में है ये ज्यूज और हिंदू जिन लोगों ने भी शिर्क किया। तो लाजमन पाओगे अहले ईमान के हक में शदीद तरीन दुश्मन यहूद को और इनको जो मुशरिक हैं। और तुम लाजमन पाओगे मवद्दत की यानी कि दोस्ती के रहम का कॉर्नर के एतबार से करीब तरीन अहले ईमान के हक में इन लोगों को जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं। नसारा यानी कि क्रिश्चियन हैं। ये इसलिए कि इन ईसाइयों में आलिम भी मौजूद हैं और दरवेश भी, और इसलिए भी कि वो तकब्बुर नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत में भी देखा जाए तो जिस तरह की मुखालफत कुफारे मक्का किया करते थे या यहूदी किया करते थे, इस तरह की मुखालफत कभी ईसाइयों की तरफ से नहीं आई। हत्ता ये कि आपको याद हो, शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि जो नजाशी थे जो कि बाद में ईमान भी ले आए थे, तो जब शुरू का वक्त था और मुसलमानों ने वहाँ हबशा में हिजरत की थी तब उन्होंने बड़े खुशदिली के साथ उन्हें एक्सेप्ट किया था। यहाँ तक कि जब कुरैश ने एक वफद भेजा था और कहा था कि ये इन्हें वापस कर दिया जाए तो उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें वापस नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे इसके बदले सोने का पहाड़ दे दो। तो इसके अलावा और भी जब एक जो राहिब था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में ही उन्होंने पहचान लिया था कि ये अल्लाह के रसूल होंगे। फिर नजरान की आपको याद होगा हमने पूरा किस्सा पढ़ा था कि जब नजरान के कुछ क्रिश्चियन नजरान से आए थे तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था लेकिन मुखालफत नहीं की थी, खामोशी से चले गए थे। लेकिन अब ये वाले हालात नहीं है क्योंकि जब अगर आप क्रूसेड्स के बारे में पढ़ें जो सलीबी जंगें हुई थी उसमें बदतरीन किरदार अदा किया था इनके उलमा ने, और जो है जो मुसलमानों के साथ बाकायदा जो है खून की नदियां बह गई थी। तो अब हालात जो है उस तरह के मुख्तलिफ थे, लेकिन अभी भी जो बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिश्चियंस हैं जो कि मतलब पर्सनली कुछ लोग को जानते भी हैं, वो बहुत ही प्रिंसिपल्ड और इस तरीके से नफरतें पालने वाले नहीं हैं। आगे चलते हैं। وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق। और जब इन्होंने सुनी वो चीज जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी तो तुम देखते हो कि हक की जो पहचान इन्हें हासिल हुई इसके ज़ेरे असर इनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आंसुओं की कितनी कदर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमेशा के लिए कुरान के अंदर। ये छोटी चीज नहीं है। ये बेसिकली कुछ नए मुसलमान हबशा जब गए और वहां पर उनके थ्रू वहां के रहने वाले ईसाइयों तक इस्लाम पहुंचा तो उनका एक एक ग्रुप वहां से आया था मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और जब उन्होंने ये सब कुछ सुना तो उनके बारे में ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस आयत का, कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो आंसू जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है कि इंसान अपनी ये वीकनेस शो कराए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मर्द और औरत में फर्क नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन वमा लना लनु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि वनतमअु अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन। और वो कह रहे हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस आप हमें लिख लें गवाही देने वालों में से। और हमें क्या हुआ है कि हम ईमान ना लाए अल्लाह पर और उस हक पर जो हम तक पहुंच गया है, और हमें तो बड़ी ख्वाहिश है कि दाखिल करें हमें हमारा रब नेककार लोगों के साथ। कितनी अमेजिंग दुआ है ना। एक पॉज लेते हैं और ये दुआ करते हैं। ये दुआ एक एक दफा मैं चाहती हूँ आप लोग सब पढ़ें। ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस आप हमें लिख लें गवाही देने वालों में से। अपने आप को जहन में रखकर ये दुआ करें। और हमें क्या हुआ है कि हम ईमान ना लाए अल्लाह पर और इस हक पर जो हम तक पहुंच गया है, और हमें तो बड़ी ख्वाहिश है कि दाखिल करें हमारा रब नेकुकार लोगों के साथ। अब मुझे ये बताएं, ये दुआ किस किस ने दिल की गहराइयों से की है? रेज योर हैंड्स। ओके, आयशा और इकरा, समरीन, ओके, और एक्सेलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कुछ रह गए तो दोबारा से मैं लिख, सामने आ गई है। दिल से दुआ करिए ये वाली। ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस आप हमें लिख लें गवाही देने वालों में से। और हमें क्या हुआ है कि हम ईमान ना लाए अल्लाह पर और इस हक पर जो हम तक पहुंच गया है, और हमें तो बड़ी ख्वाहिश है, हम सबको ख्वाहिश है कि दाखिल करें हमें हमारा रब नेकोकार लोगों के साथ। एक्सेलेंट। और कर लिए तो आगे चलूं, क्योंकि आगे बहुत जबरदस्त सरप्राइज आने वाला है। ओके, तो आप ये सोचें कि जब उन्होंने ये दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, और अब हमने भी ये दुआ की है, तो अपने आप को जहन में रखें। तो अल्लाह ने इनके इस कौल के बदले इन्हें वो बागात अता किए जिनके दामन में नदियां बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और यही बदला है एहसान की रवश इख्तियार करने वालों का। अल्लाहुम्मा तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करें। अल्लाह ताला, हमने भी ये दुआ की है, दिल से की है, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करें। अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह ताला हमें जन्नत फिरदौस अता करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत कदरदान है, वो किसी भी नेकी करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करते। तो अल्लाह ने इनके इस कौल के बदले इन्हें वो बागात अता किए जिनके दामन में नदियां बहती हैं, जिनमें में वो हमेशा रहेंगे, और यही बदला है एहसान की रवश इख्तियार करने वालों का। सो कंग्रेचुलेशंस। आगे चलते हैं। فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين। तो अल्लाह ने इनके इस कौल के बदले इन्हें वो बागात अता किए जिनके दामन में नदियां बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और यही बदला है एहसान की रवश इख्तियार करने वालों का। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल करें। आगे चलते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। रहे वो लोग जिन्होंने इनकार किया और झुटला दिया हमारी आयात को, तो वही लोग हैं जो जहन्नमी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين। ए ईमान वालों, ना हराम ठहरा लो इन चीज़ों को जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। उस वक्त भी मुशरिकाना उनकी रविश की वजह से उनकी दीन के अंदर वो इतनी चेंजेस कर चुके थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक पहुंचते पहुंचते कि उन्होंने अपने ऊपर खुद ही चीज़ें हराम हलाल ठहरा ली थी। और हद से तजावुज़ ना करो, यकीनन अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों की यानी कि हद से जो बढ़ जाने वाले हैं उनको पसंद नहीं करता। मैंने एक किताब में एक वाक़या पढ़ा, गालिबन कोई बुजुर्ग थे, कि उनका एक दफ़ा दिल चाहा दूध पीने को, तो उन्होंने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझसे दूध मांगा तो मैं, उन्होंने कई साल तक दूध नहीं पिया। फिर पता नहीं कुछ 10-12 साल लिखे हुए थे कितने थे। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो चीज़ें हलाल कर रखी उनको खामखा अपने ऊपर इंसान क्यों हराम करे। ये राइट सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला क्या है कि वो किसी चीज़ को हराम या हलाल करार दे दे। कई चीज़ें, कई दफ़ा ये होता है कोई चीज़ मकरूह है, पसंद नहीं की गई दीन में करना, लेकिन वो फिर भी हराम नहीं होती। कोई मकरूह चीज़ को हराम नहीं कह सकते अगर जब तक अल्लाह सुब्हान ताला उसको ख़ास तौर पे किसी चीज़ को हराम ना कहें, वो हराम नहीं है। या ख़ास तक किसी चीज़ को ये ना कहा जाए कि कई दफ़ा ये होता है कि इंसान मोहब्बत में इतना बढ़ जाता है, नेकी में इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को जी हराम कर लिया। आगे चलते हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुअमिनून। और खाओ इन हलाल और पाकीज़ा चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, और इस अल्लाह का तक़वा इख्तियार किए रखो जिस पर तुम्हारा ईमान है। तो कभी भी खुद से किसी भी चीज़ को हलाल या हराम डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला को हद से गुजरने वाले पसंद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है जो किसी भी चीज़ को हराम या हलाल करार दे सकती है। कोई इंसान, कोई इदारा, कोई इस चीज़ को के पास, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी चीज़ को हराम या हलाल कर दे। आगे चलते हैं। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد फसियामु 3 अय्याम। अल्लाह ताला मुआखज़ा नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी इन कस्मों में जो लग़्व होती हैं, मतलब कोई सीरियसली नहीं की गई। अब जैसे अरबों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ अभी भी रिवाज है, वल्लाही बिल्लाही खड़े खड़े आम बात के ऊपर कह देते हैं। इवन हमारे यहाँ भी कस्में, मैं नहीं कहता कस्में, ऐसे एकदम से कह दिया जाता है बात को। तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमाने कि अल्लाह ताला मुआखज़ा नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी इन कस्मों में जो लग़वी होती है, यानी कि सिर्फ ज़बान से अदा कर दी, लेकिन वो ज़रूर मुआखज़ा करेगा, यानी कि इस चीज़ के बारे में बासपुर्स होगी कि तुमसे इन कस्मों पर जिनको तुमने पुख्ता किया हो, यानी कि बाकायदा तौर पर सोच समझ के किसी चीज़ के बारे में कसम खाई हो। तो इसका कुफ़ारा है। अब कसम अगर किसी की टूट जाए या उसको उस कसम से निकलना है, उस कसम को ख़त्म करना है, तो उसका कुफ़ारा क्या है? खाना खिलाना 10 मसाकीन को औसत दर्जे का खाना खिलाना, जैसा कि तुम अपने घर वालों को खाना खिलाते हो। ये नहीं है कि कोई बहुत ही सस्ता सा कोई चीज़ पकड़ा दी, या कोई बहुत एक्सपेंसिव खाना भी नहीं देना, जैसे घर में खाया जाता है इस तरह का 10 मस्कीनों को खाना खिलाया जाए। या फिर इनको कपड़े पहनाए जाए, यानी कि उनको आप कुछ पहनने के लिए कपड़े सदका कर दें, उनको उनका उसका कुफारा दे दें। या किसी गुलाम को आज़ाद करना है। फिर जो कोई इसकी इस्तात ना रखता हो तो वो 3 दिन के रोज़े रखे। अगर कोई ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकता तो वो 3 दिन के रोज़े रखे। ये है कसम का कुफारा। आगे चलते हैं। ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون। ये कुफारा है तुम्हारी कसमों का जब तुम कसम खाकर तोड़ बैठो और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। यानी कि अगर कसम खाई है तो स्टिक विद इट, लेकिन कुफारा देना भी इसकी हिफाजत में ही आता है कि अगर आप कुफारा दे रहे हैं तो इस तरह से आप अपनी कसम की एक तरह से हिफाजत ही कर रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को वाजिया फरमा रहा है ताकि तुम शुक्र अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरू वल मैसरू वल अंसाबू वल अज़लामू रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, ए अहले ईमान, यकीनन शराब और जुआ, बुत यानी कि जो अगर कोई स्टैचूज वगैरह जो परस्तिश की जाती है वो, और पांसे यानी कि जो भी गेम ऑफ लक होती है, ये उस वक्त के तीरों से वो किया करते थे। लेकिन आज भी जो भी गेम ऑफ लक है कि अच्छा जी तुक्का चल गया, कोई इंसान ने कोई एफर्ट उसमें पुट नहीं की है, कोई भी काम उसके लिए नहीं किया है और बस एकदम से आपकी लॉटरी लग गई और आप वो आपका तुक्का चल गया है। और पांसे, ये सब गंदे काम है शैतान के अमल में से, तो इनसे बचकर रहो ताकि तुम फलाह पाओ। कौन कौन सी चीजें? शराब, जुआ, बुत परस्ती यानी कि बुत वगैरह, इवन कुछ तो स्कॉलर्स के नजदीक जो आजकल पोस्टर्स लगा लेते हैं अपने कमरों के अंदर, मतलब ये कोई फतवा नहीं है लेकिन कुछ स्कॉलर्स के नजदीक मैं कह रही हूँ, या इवन घरों के अंदर स्टैचूज रखे हुए होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और आपको बड़े वो जो कुछ बड़े प्रेशस होते हैं, अगर काम वाली से वो टूट जाए तो एक घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। तो इतनी मोहब्बत, इतनी उससे अटैचमेंट, या पांच है यानी कि जो गेम ऑफ लक, जितनी भी हैं आजकल ये चीजें मौजूद हैं, ये सब गंदे काम है शैतान के अमल में से, तो इनसे बचकर रहो ताकि तुम फलाह पाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़दाअ फिल ख़मरी वल मैसरी व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। शैतान तो ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दे। अब आप देखिए, कोई इंसान शराब के नशे में है, उसे नहीं पता वो अगले को गालियां दे रहा है या बुरा भला कह रहा है, या इवन कोई जुए के मामले में तो ये खासकर है कि अगर कोई बिला वजह, जाहिर सी बात है अब जुए में तो गेम ऑफ लक है, ये पैसे लगाए जा रहे हैं, कोई जीते जा रहा है जिस भी तरीके से, तो अगले के अंदर एक गुस्सा, एक खार अगले के अंदर आती है कि ये इस तरह से जीते जा रहा है और बगैर किसी वजह के इसको क्यों मिल रहे हैं ये पैसे। तो इस वजह से दुश्मनियां, अदावतें, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे मैं तफसीर पढ़ी थी वहां पे ये था कि जब बिल्कुल हराम करार नहीं हुई थी शराब, तो उससे पहले जब पिया करते थे उस वक्त के लोग तो आपस में झगड़े हो जाया करते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी, शराब के नशे में एक दूसरे को मारते थे, ये सब कुछ हुआ करता था। और आप ये देखें कि किस कदर अल्लाह सुब्हानहू तआला तदरीजन जो है शराब को हराम किया गया है, बास बुग़्ज़ पैदा कर दे शराब और जुए के जरिए से। और शैतान ये भी चाहता है कि तुम्हें रोके अल्लाह की याद से और नमाज से, तो अब बाज आते हो या नहीं। आप ये देखिए, ये बड़ा सख्त अंदाज है कि बाज आते हो कि नहीं, क्योंकि तीसरी दफा आया है कि अब जब कि आ गया कि जी हराम हो चुकी है शराब। पहली दफा क्या आया था, आप लोगों को याद हुआ होगा कि ये शराब के बारे में पूछते, इनसे कहें कि इसमें फायदे कम नुकसान ज्यादा है। फिर दूसरी दफा क्या आया कि अच्छा जी नमाज, जब शराब नशे की हालत में है तो नमाज के करीब मत जाओ। और फिर फाइनल ऑर्डर्स ये आ गए कि ये अब हराम हो चुकी है। और जहाँ पे मैं पढ़ रही थी वहां पे था कि जब ये वाले जो ही लोगों को ये वाले अहकाम मिला कि शराब जो है वो हराम हो चुकी है, तो मदीने की गलियों में शराब बह रही थी, लोगों ने उसी वक्त उनको उंडेल दिया सड़कों के ऊपर, मतलब निकाल दिया अपने घरों के अंदर से। इस तरह अहकाम माने जाते थे पहले सहाबा, इस तरीके से जो चीज जिस तरह नाजिल हुई उसी वक्त। आपको याद होगा इवन जो तहवील किबला की जो आयतें थी, सुने जब वो नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे और आपने चलना शुरू कर दिया, और जो सहाबा थे उन्होंने आपके साथ साथ चलना शुरू कर दिया नमाज की हालत में, मुड़ना शुरू हो गए काबा की तरफ। इस तरीके से माना जाता था हुक्म। आगे चलते हैं। وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ। और अताअत करो अल्लाह की और अतात करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इनकी नाफरमानी से बचते रहो। फिर अगर तुम पीठ मोड़ लोगे तो जान लो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो जिम्मेदारी है बस साफ साफ पहुंचा देने की। यानी कि उनसे ये बात पूछ नहीं होगी कि भाई क्यों नहीं लेके आई आपकी उम्मत ईमान, उन्होंने तो जो जो बात हक थी वो हम तक पहुंचा दी है। अब ये हमारा अमल है कि हम किधर जाते हैं। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जुनाहुम फीमा तइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये चीज़ जैसे कि जब तहवील किबला हुई थी तब भी सहाबा में ये सवाल उठा था कि अच्छा जो अब तक हमने नमाजें पढ़ी हैं, मक्के में जो नमाजें पढ़ी थी तो क्या वो ज़ाया हो गई सारी, क्योंकि वो तो हमने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके पढ़ी थी। या तो इसी तरह का जो जब ये शराब की हुर्मत के बारे में आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा इससे पहले जो लोग शराब पी चुके हैं, मतलब जो कि उनकी हड्डियों में घुस चुकी है या जो इससे पहले मर चुके हैं, उनके बारे में क्या मामला होगा, क्या वो मतलब हलाक कर दिए गए या उनको उनके साथ क्या बुरा मामला होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ये आयत नाज़िल फरमाई, इन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल किए कोई गुनाह नहीं है इसमें जो वो पहले खा पी चुके। जैसे कि हदीस में भी आता है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत 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 बड़ी रहमत है कि वो आपके जो अगर जिस वक्त भी इंसान एक नया स्टार्ट लेता है, तौबा करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और नेक अमल करे फिर मजीद। अच्छा यहाँ पे हम एक चीज, अभी मैं एक हदीस आपको सुनाना चाहूंगी तो हम दोबारा पढ़ते हैं। इन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल किए कोई गुनाह नहीं है इसमें जो वो पहले खा पी चुके, जब तक कि वो तकवे की रविश इख्तियार करें, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहें और ईमान लाएं, यानी कि तकवा इख्तियार करें और ईमान लाएं, और नेक अमल करें फिर मजीद तकवा इख्तियार करें, यानी कि आगे इंसान खूब से खूब की तर की तलाश में रहे। जैसे कि हम दुनियावी मामलों में रहते हैं ना खूब से खूब तर की तलाश में, इस तरह ही आखिरत के मामलात में भी इंसान खूब से खूब तर की तलाश में रहे और ईमान लाए और फिर तकवे में बढ़े और दर्जा एहसान पर फाइज हो जाए। और अल्लाह ताला मुहसिनों से मोहब्बत करता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एहसान का दर्जा क्या है आपको याद है, हमने ये हदीस पहले भी पढ़ रखी है। क्या है एहसान? एनी आइडिया? कोई गलत सही नहीं मैम। एहसान का मतलब ये होता है ना कि हमें ये महसूस होना कि हम अल्लाह को देख रहे हैं और फिर अल्लाह ताला को मतलब ऐसा फील करना कि अल्लाह ताला, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये फील करें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और फिर वो काम, तो वो काम और ज्यादा बेहतर होता है फिर। ये एहसान है। और मैम एहसान ये भी है कि कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसके साथ बुराई से जवाब न दें बल्कि उसका अच्छाई से जवाब दें। हाँ, एक एहसान का मीनिंग बिल्कुल। अलाया आप भी कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा, आपका एहसान है। तो मैं चाहूंगी कि हम दोबारा से ये हदीस जिब्राइल पढ़ें। इसको उम्मुल सुन्ना भी कहा गया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स सामने आया जिसके कपड़े नहायत सफ़ेद और बाल बहुत ही ज़्यादा स्याह थे, और इस शख्स पर सफ़र का कोई असर भी मालूम नहीं होता था कि वो कोई मुसाफिर हो जो बाहर से आया हो, और ना ही हम में से कोई इसे आने वाले को पहचानता था, यानी कि पहले से नहीं जानते, यानी वो इस इलाके का नहीं था। वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर इस तरह बैठ गया कि अपने घुटने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। सबसे पहली चीज, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम शहादत दो, यानी कि गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद की, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर हज बैतुल्लाह जाने का खर्च पास हो तो हज करो। ये है इस्लाम। फिर उन्होंने क्या कहा, इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम इस पर हमें हैरत हुई कि ये शख्स सवाल भी करता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब की तस्दीक भी करता है, जैसे इन बातों को पहले से जानता हूँ। फिर वो शख्स बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ईमान के बारे में बताएं कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह को, इसके फरिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों, क़यामत के दिन को दिल से मानो और इस बात पर भी यकीन रखो कि बुरा या भला जो कुछ पेश आता है वो सब तकदीर के मुताबिक होता है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से ये चीज़ हमारी तकदीर में लिखी हुई है। इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा। फिर वो शख्स बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे एहसान के बारे में बताएं कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम इसको देख रहे हो, और अगर ऐसा ना कर सको तो फिर ये ध्यान रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। जाहिर सी बात है, जब इंसान के जहन में ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे देख रहे हैं हर अमल करते हुए, तो उसका अमल जाहिर सी बात है इम्प्रूव हो जाएगा। आप देखें, ड्राइविंग करते हुए जाएं कभी और आपको पता है कि यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली आप इशारों पे भी रुक रहे होते हैं और आप अपनी लेन में भी चल रहे होते हैं और आप बड़ा ध्यान से ओवरटेक भी कर रहे होते हैं, आप कोई दोनों भी नहीं। तो आपको जब इस चीज़ का एहसास हो कि आपको कोई देख रहा है तो आपका अमल बेहतर हो जाता है। तो ये एहसान का दर्जा है कि इंसान इस लेवल तक पहुंच जाए। फिर वो शख्स बोला, मुझे क़यामत के बारे में बताएं कि वो कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा इल्म तुमसे ज्यादा नहीं। फिर शख्स ने कहा, मुझे इसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौंडियां अपने आका को जनेंगी। इसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस है स्कॉलर्स की, किसका क्या मतलब। और तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूते और जिस्म पे कपड़े नहीं हैं और वो खाली हाथ और बकरियां चराने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगेंगे और इसमें एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हमें पता है अरब में बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का रिवाज और एक दूसरे के ऊपर इसमें फौकियत हासिल करने की या एक दूसरे को से बेहतर बनाने की जो कोशिश है वो हमें साफ नजर आती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद वो शख्स चला गया। फिर कुछ अरसे के बाद, यानी कि कुछ देर के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए उमर, क्या तुम्हें मालूम है कि वो सवाल करने वाला शख्स कौन था? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज्यादा जानने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारी इस मजलिस में इसलिए आए थे कि तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखा दें। इस्लाम क्या है? जो 5 अरकान है हमारे, शहादतें, बेसिकली 2 शहादतें, रसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 3 चीज़ें, 5 चीज़ें। फिर ईमान क्या है? इंसान की अल्लाह सुब्हानहू तआला पे, फरिश्तों पे, आखिरत पे, रसूलों पे, किताबों पे और तकदीर पे ईमान हो। और एहसान का लेवल क्या है? कि इंसान इस तरह से इबादत करे कि वो अल्लाह ताला को देख रहा है, और अगर इस दर्जे पे नहीं पहुंच सकता तो इस तरह इबादत करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे देख रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि जो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहब्बत करते हैं उनसे। अल्लाह मैम, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैंने एक जगह ना, मतलब मैंने वीडियोस देखी थी कि सजदे में जो है ना, वो इंसान अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होता है। जी बिल्कुल। तो उसमें सजदे में आप ना अपनी लैंग्वेज में भी दुआएं कर सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर हम जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो हम किसी एक सजदे में जो है वो अल्लाह से दुआएं कर लें और बाकी सजदे जो है वो हम उनमें तस्बीहात ही बयान कर लें, या हर सजदे में हम दुआएं करते रहें? तो ये दोनों ठीक है या फिर करें, जो कि सुन्नत साबित है। और फिर आप दुआ कर सकते हैं, अपनी जबान में दुआ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइम मिनस्सैदी तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब फमन इअ्तदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। ए अहले ईमान, अल्लाह ताला तुम्हें लाजमन आजमाएगा। ये बात आप ये देखिए कुरान में, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत है कि वो बार बार हमें ये बता रहे हैं कि हमें आजमाया जाएगा। ए अहले ईमान, अल्लाह ताला तुम्हें लाजमन आजमाएगा किसी ऐसे शिकार के जरिए से जिसको पहुंचते होंगे आसानी से तुम्हारे हाथ और नेज़े, ताकि अल्लाह देख ले इन लोगों को जो गैब में होते हुए भी इससे डरते रहते हैं। अब इसके बाद जिसने ज्यादती की तो इसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये बेसिकली एहराम की हालत में मना किया गया है कि एहराम की हालत में कोई शिकार नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे हैं कि मैं आजमाऊंगा। उस वक्त ज़ाहिर सी बात है आजमाइश होती थी। अब आप ये देखें कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि इंसान एहराम की हालत में है, दूर दूर से लोग शहरों से आ रहे हैं, रास्ते में कोई हिरन कोई ऐसी चीज उनको नजर आ जाती है जिसको वो शिकार करके खा सकते हैं। वो आजकल की तरह तो नहीं था कि स्टॉप ओवर्स के ऊपर पिज्जा भी मिल रहा है और बर्गर्स भी मिल रहे हैं और पास्ता भी मिल रहे हैं और हर तरह के चाइनीज और हर तरह का पाकिस्तानी इंडियन हर तरह का खाना मिल रहा है। आज के वाला हिसाब तो नहीं है। ये तो बहुत बड़ी आजमाइश थी कि उस वक्त लोग शहरों से दूर दराज शहरों से आ रहे हैं, एहराम की हालत में है और उनके सामने अगर इस तरह से कोई शिकार आ जाता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे हैं कि मैं आजमाऊंगा। अहले ईमान, अल्लाह ताला तुम्हें लाजमन आजमाएगा किसी ऐसे शिकार के जरिए से जिसको पहुंचते होंगे आसानी से तुम्हारे हाथ, यानी कि सामने शिकार खड़ा हुआ है, और नेज़े, ताकि अल्लाह देख ले इन लोगों को जो गैब में होते हुए भी इससे डरते रहते हैं। अब इसके बाद जिसने ज्यादती की तो इसके लिए दर्दनाक अजाब है, यानी कि अगर किसी ने शिकार के लिए ऑप्ट किया, शिकार कर लिया, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला की बहुत बड़ी एक और अगेन रहमत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस्सैदा व अंतुम हुरुम व मन क़तलहू मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तला मिनन नईमी यहकुमू बिही। क्या रहमत है अल्लाह सुब्हान व तआला की। ए ईमान वालों, जब तुम एहराम की हालत में हो तो किसी शिकार को कत्ल मत करो, तो जो कोई तुम में से इसे कत्ल यानी कि शिकार कर बैठे जानबूझकर तो फिर इसका कुफारा होगा। आप ये देखें कि एक तरफ अजाब की आयतें हैं कि उसके लिए दर्दनाक अजाब है, लेकिन उसके साथ कुफारा भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने अता किया है। इसी तरह का एक चौपाया जैसा कि इसने कत्ल किया है जिसका फैसला तुम में से तो उसका फैसला कौन करेगा? तुम में से दो आदिल आदमी करेंगे, यानी कि तुम बाकायदा गवाह बनाओगे इसके ऊपर कि जैसी कि तुमने शिकार किया है वैसा ही शिकार, यानी कि अगर कोई भी चौपाया आपने शिकार किया है, जैसे कोई हिरन आ गया था तो आप बकरी या इस तरह का कोई आप उसके मुकाबले में नजर करेंगे, या कोई नील गाय हैं तो उसके बदले में कोई आप और चौपाया गाय जैसा ही हम वजन उससे मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली बट मिलता जुलता उसी से किया जाएगा। तो दो आदिल आदमी करेंगे इस चीज का फैसला। ये नजर की हैसियत से खाना काबा तक पहुंचाया जाएगा। या फिर इसका कुफारा है कुछ मसाकीन को खाना खिलाना ताकि वो अपने किए की सजा चखे। अल्लाह माफ कर चुका जो पहले हो चुका, लेकिन जो कोई फिर ऐसे करेगा तो अल्लाह इससे इंतकाम लेगा, और यकीनन अल्लाह ताला जबरदस्त है इंतकाम लेने वाले। आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हान व तआला खुद बता रहे हैं कि तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारे सामने शिकार होगा। कितनी टेम्पटेशंस आज हमारी जिंदगी में हैं, लेकिन हमें क्या सिखाया जा रहा है? सेल्फ कंट्रोल, कि इंसान के सामने टेम्पटेशंस आए भी तो वो अपने आप को उससे रोके रखे। आगे चलते हैं। أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون। अलबत्ता तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है समंदर का शिकार, यानी कि जो भी मछलियां वगैरह कोई बहरी जहाज से आ रहा है और वो समंदर में अगर वो फिशिंग कर सके और कुछ खाने के लिए उसको चाहिए हो तो वो वहां से कर सकता है। और इसका खाना तुम्हारे लिए और मुसाफिरों के लिए ज़ादे राह के तौर पर, यानी कि साथ लेके जाने के लिए भी। लेकिन खुश्की पर शिकार करना तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है। देखिए, ये आयत हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहते हैं वो फैसला करते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। जब तक कि तुम एहराम में हो और अल्लाह का तकवा इख्तियार किए रखो जिसकी तरफ तुम्हें जमा कर दिया जाएगा। इस चीज़ का बंदा तकवा इख्तियार किए रखे, चीज़ों के बारे में कॉन्शियस रहे। हमारी ज़िंदगी में भी जो टेम्पटेशंस आती हैं, इनके मामले में भी इंसान इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस रहे कि ये वक्त ख़त्म हो जाएगा और मुझे अपने रब के पास लौट कर जाना है। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नासी वश्शहरल हराम वल्हदिया वल्क़लाइद ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم। अल्लाह ने काबा को, जो कि बैतुल हराम है, लोगों के क़याम का बायस बना दिया है। और हुर्मत वाले महीने कुर्बानी के जानवरों और वो जानवर भी जिनके गलों में पट्टे हैं, यानी कि उनके ऊपर ये पहले कर दिया जाता था, उनके गले में कोई खास किस्म का वो डाल दिया जाता था कि ये सिर्फ जो है हदी के जानवर हैं, ये सिर्फ वहां पर स्लॉटर किए जाएंगे। जिनके गलों में पट्टे डाल दिए गए हों, या इसके लिए कि तुम अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला को आसमान और ज़मीन की हर शय का इल्म है और ये कि अल्लाह हर शय का इल्म रखता है। इअलमू इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाबी व इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जान लो कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है और ये कि अल्लाह गफूर और रहीम भी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के अंदर ये दोनों शाने बैक वक्त, एक ही वक्त में मौजूद हैं कि वो शदीद अजाब दे भी सकते हैं और वो माफ़ भी कर सकते हैं जिसको चाहे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने लिए कौन सी चीज़ ऑप्ट करते हैं। मा अला रसूली इल्ला अल बलाग अल्लाहु यअलमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिवाय पहुंचा देने के और कोई जिम्मेदारी नहीं है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, उनसे बात पुरस नहीं की जाएगी। कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, चाहे नापाक शय की कसरत तुम्हें अच्छी लगे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अक्सरियत के पीछे हमने नहीं जाना है। तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ए होशमंदो, ताकि तुम फलाह पाओ। थिंकर्स को जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार, हम कुरान में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कहते हैं सोचने वालों, होशमंदो, जो लोग गौर और फिक्र करने वाले हैं, उनसे मुखातिब होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। आज के ये एक्शन देख लेते हैं कि हमें बैलेंस रखना है अपनी आखिरत में के मामले में और इस दुनिया के मामले में। ना ही हद से तजावुज करना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया बस वो करना है। आप नफली इबादात करना चाहते हैं तो अपना कोई ऐसा वक्त रखिए, तहज्जुद का वक्त रखिए, कोई ऐसा टाइम होना चाहिए जबकि आपके ऊपर अपनी बाकी दुनियावी जिंदगी की जिम्मेदारियां उस तरह से ना हो। आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी आसानियां कर रखी हैं। इवन फर्ज नमाज के मामले में भी चंद रकातें दे रखी हैं, उनके दरमियान भी ठीक ठाक वक्त दे रखा है कि अगर कोई मसरूफियत है, कोई ज़्यादा इमरजेंसी है, आप फौरन अजान होती नमाज नहीं पढ़ पा रहे, तो बाकायदा शुरू और आखिर के वक्त में ठीक ठाक टाइम है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है। तो अगर आप इबादत में बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं तो अपना ऐसा वक्त रखें जैसे तहज्जुद का वक्त है, जबकि आपके ऊपर अपनी बाकी घर वालों की जिम्मेदारियां ना हो, क्योंकि बहरहाल हकूकुल इबाद भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही दिए हैं वो हकूकुल इबाद हमें। तो ये ज़रूरी है कि उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। इसके साथ साथ दीन अपना अपना नहीं है, जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह आल इमरान में हमें बताया था तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए बर्पा किया गया है। तुम हुक्म करते हो नेकी का और तुम रोकते हो बदी से, और तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर। और इसके साथ साथ हराम और हलाल सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला डिक्लेयर कर सकते हैं। खुद से किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए, या खुद से कोई चीज़ अपनी मर्जी से हलाल नहीं कर लेनी चाहिए। अल्लाह सुब्हान व तआला को हद से बढ़ने वाले पसंद नहीं। आज के लेसन से रिलेटेड कोई सवाल? चलिए, कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।